यूपीए 2 के अवतार के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 4 वर्ष में ही उनकी असफलताएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनका जो पूरा 9 वर्ष का कार्यकाल है उस फलक तक जाने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही। वास्तव में उनके 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात 4 वर्ष तक इसलिए सीमित रखेंगे कि 4 वर्ष में ही उन्होंने इतना बहुत कुछ कर दिया है कि उसी पर काफ़ी समय लग जाएगा। हम एक लिखित हैंडआउट भी आपको दे रहे हैं और मैं और अरुण जी दोनों मौखिक रूप से भी आपको संबोधित कर रहे हैं। हम इनकी अलग अलग क्षेत्रों की असफलता की बात करेंगे। सबसे पहले मैं राजनीतिक मोर्चे की असफलता लूँगी। आप जानते हैं कि 1998 से भारत की राजनीति 2 ध्रुवों में बट गई है। थोड़े थोड़े अंतराल को अगर छोड़ें, ढाई ढाई साल के जनता पार्टी के वीपी सिंह के, तो ज़्यादातर एक दलीय सरकार केंद्र में रही। 1996 में गठबंधन की सरकारें बनी दो, लेकिन 1998 से ये पुष्ट हो गया कि भारत में गठबंधन का युग आरंभ हो गया है। 1998 से 2004 तक एनडीए का शासनकाल रहा और उसके बाद से यूपीए। इन 2 ध्रुवों का एक एक राष्ट्रीय पार्टी नेतृत्व करती है। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है, यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है और अन्य क्षेत्रीय दल इसके साथ होते हैं। इस तरह के गठबंधन की सरकारों के लिए एक विशेष नेतृत्व की ज़रूरत होती है, वो नेतृत्व जो व्यक्ति लीडर हो। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन लीडर नहीं हैं। और लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना वो देश के हैं। और यूपीए का नेतृत्व बटा हुआ नेतृत्व है। आप सब साक्षी हैं इस बात के कि कैबिनेट में यूपीए के घटक दल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठते हैं, लेकिन अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं। अगर सरकार और संगठन में यह बंटवारा रहा होता, वहीं तक सीमित रहा होता, तो शायद देश का अनिष्ट नहीं होता उतना। लेकिन अनिष्ट तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के बीच वन अपमैनशिप की लड़ाई शुरू हो गई। कितने ही उदाहरण ऐसे आए कि सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय जनता को अप्रिय लगा तो कांग्रेस अध्यक्षा ने पत्र लिखकर उस निर्णय को बदलवाया। 4 रुपये अगर डीजल के नाम पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो 1 रुपया कांग्रेस अध्यक्षा ने घटवा दिया। और ये उनकी नीति बन गई कि तिजोरी में, सरकारी तिजोरी में 3 रुपये आ भी गए और कांग्रेस को 1 रुपये की वाहवाही भी मिल गई। और जनता को ऐसा लगा कि 4 रुपये जो बढ़े थे उससे 1 रुपये की राहत मिल गई। और इसको उन्होंने एक नीति के तौर पर तैयार कर लिया कि बुरी चीज़ों का ठीकरा सरकार के सिर और उनको सुधरवाने का काम पार्टी के सिर। और इस पूरे का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। ये बटा हुआ नेतृत्व देश में एक अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी असफलता राजनीतिक मोर्चे पर यूपीए की है कि गठबंधन को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए वैसा नेतृत्व ये प्रदान नहीं कर सके। अब मैं आर्थिक मोर्चे की असफलता की बात करती हूँ। मित्रों, आमतौर पर हम लोग अर्थव्यवस्था को GDP, फिस्कल डेफिसिट, इनके आंकड़ों या इनकी दरों से जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल विकास दर या राजकोषीय घाटा कितना कम या कितना ज़्यादा है, इससे अर्थव्यवस्था का सही आकलन नहीं होता। अर्थव्यवस्था का सही आकलन होता है वातावरण से, माहौल से, कि क्या माहौल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला है या अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाला है। और मैं इसके प्रमाण के रूप में बताना चाहूँगी कि जब NDA सरकार में आया था तो हमें एक जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन चारों तरफ इतनी आर्थिक गतिविधि हमने पैदा कर दी। कहीं गांव सड़क से जुड़ रहे हैं, कहीं राजमार्ग चौड़े हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कि उसके कारण पूरे देश में एक माहौल खुशनुमा बन गया
और जब हमने सरकार छोड़ी तो एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था, बूमिंग इकोनॉमी हमने इनको विरासत में दी, जो इनको धरोहर में मिली, और पहले इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने इसको स्वीकार भी किया। लेकिन यूपीए के पहले कार्यकाल में, क्योंकि उसका असर था, तो अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई ज़्यादा। लेकिन अब चूंकि उसका असर खत्म हो गया, तो आज जो बात है वो एक इतने निराशाजनक माहौल की है कि लोग नई पूंजी लगा नहीं रहे, पुरानी पूंजी निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फैसला नहीं हो रहा, लोग जेल जा रहे हैं, माहौल ऐसा बन गया है, कोई अधिकारी साइन नहीं कर रहा। पिछले दिनों एक बड़े समाचार पत्र में ये खबर आई थी कि 7.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस के लिए पड़े हैं। ये समाचार पत्र की रिपोर्ट है। अब 7.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर क्लियर हो गए होते तो कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता, कितनी आर्थिक गतिविधि बढ़ती। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का माहौल है, ये हमारे लिए चिंता पैदा करता। और इसी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आयाम जुड़ गया, भ्रष्टाचार का। यूपीए 1 में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, लेकिन यूपीए 2 ने तो इंतहा कर दी। एक घोटाला थमता नहीं, दूसरा उजागर हो जाता है। और राशि माइंड बॉगलिंग, दिमाग को बौखलाने वाली है। दूसरे घोटाले की राशि हमेशा पहली राशि से बढ़कर होती है। 70,000, 1,76,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, यानी लोग जीरो लगाना भूल जाते हैं। और अगर आज मैं ये कहूं कि इतना भ्रष्टाचार पहले कभी किसी शासनकाल में नहीं हुआ, तो ये गलत नहीं होगा। और इसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इतनी महंगाई भी किसी शासनकाल में नहीं बढ़ी जितनी कि इस शासनकाल में बढ़ी है। इस अर्थव्यवस्था की असफलता के बाद मैं विदेश नीति की असफलता की बात करना चाहती हूं। आमतौर पर विदेश नीति में सरकारें सफल रही हैं क्योंकि वो राष्ट्र के हित में ही नीति बनाती हैं। लेकिन पहली सरकार है जहां हमें देखना पड़ रहा है कि मालदीव्स जैसा छोटा देश भी भारत जैसे बड़े देश को आंखें दिखाता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने तमिल भाइयों के लिए उनकी जायज मांगे भी मनवाने में असमर्थ रहे हैं। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं डिस्टर्ब्ड हैं, वहां भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए वो हम नहीं निभा पा रहे हैं। पहली बार हुआ है कि चाइना का जो इंकर्शन हमारे LAC पे हुआ वेस्टर्न सेक्टर में, उसको इतना समय लगा सुलझाने के लिए। और ये तो क्योंकि चीनी प्रीमियर की यात्रा थी तो वो सुलझ गया, लेकिन शायद इसके बाद और ज़्यादा लंबा वो चलता, और सुलझता कि नहीं सुलझता इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए यह सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर भी पूरी तरह असफल रही है। इसी तरह हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक पैराग्राफ लिखा है और महिलाओं से जुड़ी एक असुरक्षा का भी पैराग्राफ लिखा है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों की एक बाढ़ जैसी आ गई। किसी शासनकाल में इतने केस, इतने मामले महिला असुरक्षा के नहीं आए जितने कि इनके सामने आए हैं। इसलिए हम ये हैरान हैं कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं। आज 4 साल में ये जश्न मना रहे, किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या आम आदमी को दिए जाने वाले त्रास का, या जनता से किए गए विश्वासघात का, या मायूस माहौल का? चाहिए तो ये था कि 4 वर्ष के बाद आज ये इकट्ठे बैठकर विचार मंथन करते, कोई चिंतन करते और देश से क्षमा याचना करते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी शैली नहीं है, उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास ही नहीं है। बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में तो मैं कहना चाहूंगी कि जो सिलसिला CBC की नियुक्ति से शुरू हुआ था वो NHRC तक उसी तरह जारी रहा है। आपको याद होगा कि CBC के नियुक्ति के समय मैंने विमत दिया था, डिसेंटिंग नोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनको अपॉइंट किया जिनको वो अपॉइंट करना चाहते थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट से वो नियुक्ति रद्द हुई। वही सिलसिला NHRC में अपनाया गया,
वहाँ मैं अकेली केवल लोकसभा का नेता था सीवीसी की कोलिजियम में। इस कोलिजियम में हम दोनों नेता प्रतिपक्ष थे और एनएचआरसी की दोनों नियुक्तियों पर हम दोनों ने विमत टिप्पणियाँ दी और अलग अलग अपने अपने कारणों से, कोई पार्टी के नाते नहीं। अरुण जी ने अपना डिसेंट नोट लिखा, मैंने अपना डिसेंट नोट लिखा, दोनों ने अपने अपने कारण लिखे, लेकिन लगता है कि जैसे मन बनाकर आए थे और तय कर लिया था कि हमारी बात को सुनना ही नहीं। तो बहुमत के ऊपर आधार पर अगर वो इस तरह से विमत को ख़त्म करेंगे तो कंसल्टेशन एक फार्स बन के रह जाएगी जो रह गई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीएजी हो, सीवीसी हो, पीएसी हो, जेपीसी हो, हर संस्था का जिस तरह से इन्होंने क्षरण किया है वो भी पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हमने तय किया है कि ये तो ना विचार मंथन करेंगे, ना आत्मचिंतन करेंगे, ना क्षमा याचना करेंगे, लेकिन हम प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नाते इनके कारनामों को उजागर करेंगे, देश में जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, अगले सप्ताह जेल भरेंगे और आने वाले चुनाव में इस शासन से देश को मुक्ति दिलाएंगे। तो इनका जश्न और हमारा उसके बारे में संकल्प करने के लिए हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं माइक अरुण जी को देती हूँ, वो इसमें कुछ जोड़ेंगे। धन्यवाद। ये चौथी वर्षगांठ यूपीए 2 की जो आज जश्न के रूप में मनाई जा रही है, ये एक नकारात्मक और निराशावादी माहौल में मनाई जा रही है। नेवर हैज द कंट्री सीन सच एन एनवायरमेंट ऑफ ग्लूम, पेसिमिज्म, सिनिसिज्म एंड नेगेटिविज्म। ये सब इस सरकार के इस कार्यकाल की वजह से है। सरकार में रहने का जो अहंकार होता है वो इस सरकार में पूरा है। जो प्रचार किया जा रहा है सैकड़ों करोड़ रुपए का और जो और सामग्री बनेगी, उस प्रचार और प्रोपेगेंडा को देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही। हाल में जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं वो स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि यूपीए की लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत जल्दी से घट रही है और जब तक अगला चुनाव होगा वो गिरावट कहां पहुंचती है शायद इसकी कल्पना भी कर पाना कठिन होगा। लेकिन अहंकार में चूर सरकार शायद अपने इस प्रचार और प्रोपेगेंडा को खुद ही स्वीकार कर रही है। द डेंजर ऑफ एक्सेसिव प्रोपेगेंडा इज दैट यू बाय योर ओन प्रोपेगेंडा। इस सरकार के साथ यह हो रहा है। कभी इतिहास में नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद को इतना छोटा और बौना कर दिया जाए। राजनीतिक मामलों में और नीति के मामलों में यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं, अंतिम शब्द उनका है। भविष्य के नेतृत्व के लिए किसी और की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री का जैसे कोई राजनीतिक रोल ही ना सरकार के अंदर बचा हो। मुझे कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं, किसी प्रधानमंत्री का याद नहीं जब प्रधानमंत्री का पद हंसी और विनोद और व्यंग के कटाक्ष उसके ऊपर आए। इट बिकम्स द टारगेट ऑफ सरकैज़म एंड ह्यूमर। आज देश में यह स्थिति है।
एक बूमिंग इकोनॉमी थी जो यूपीए ने विरासत में ली थी। पहले कुछ साल काम चल गया क्योंकि पुरानी नीतियों का एक प्रभाव था, जिस वक्त 2% और 3% भी ग्रोथ रेट होता था 50 और 60 के दशक में, पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का प्रयोग तब भी नहीं होता था। जिस वक्त यह कल्पना थी कि भारत 8, 9, 10% से आगे बढ़ेगा, उस युग में केवल ये हमने नहीं कहा, मीडिया ने नहीं कहा, पूरे विश्व के विश्लेषक जो हैं नीति निर्माण में सरकार को लकवा मार गया हो, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया हो, इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इस सरकार की केवल एक उपलब्धि है और वो एकमात्र उपलब्धि ये है कि सीबीआई के दुरुपयोग से इसने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। अगर सीबीआई का रोल ना होता तो जो बाहर बैठे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसको बचाते हैं, वो ना बचाते और ये सरकार आज ना होती। अभी सुषमा जी ने जिक्र किया कि डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल किया है। यह केवल सीबीआई नहीं, हर डायरेक्टर को आप मैनेज करें। अभी तक इतना बड़ा देश में आंदोलन चला, कानून तैयार है लेकिन लोकपाल का कानून नहीं लाना, पार्लियामेंट्री एजेंडा पे भी नहीं डालते उसको, एक व्यर्थ में जीओएम ऑन सीबीआई बना दिया। 2-3 विषयों पे मतभेद हैं लेकिन सिलेक्ट कमेटी उस पर अपनी रिकमेंडेशंस दे चुकी है। लोकपाल का जो लेजिस्लेशन है, उसका जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, परिवर्तन करने चाहिए, वो पूरे सुझाव आ चुके हैं। तो 2-3 वर्ष इतनी चर्चा के बाद, इतने बड़े आंदोलन के बाद, संसद में इतनी बड़ी बहस के बाद, फिर उसको एक जीओएम के पास हवाले कर दिया जाए, इसका मतलब स्पष्ट है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी बने ये सरकार की नीयत नहीं है। हर नियुक्ति को लेकर विवाद है, सीवीसी से आरंभ हुआ, समाज में बहुत बड़ी टिप्पणी, आज भी लेख छपे हैं समाचार पत्रों में, एडिटोरियल पेजेस पे, कि जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उनको सीएजी नहीं बनाते, जिनके खुद ही कार्यकाल के मामले सीएजी के पास जाने हैं वही उन पर फैसला करेंगे, तो फैसला पूर्व नियोजित हो गया। इस परिस्थिति में ना राजनीतिक समर्थन बचा है इस सरकार के पास। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के नाते हर स्तर के ऊपर इस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अगले सप्ताह भी हमारा देश भर में जेल भरो अभियान है, जिसमें हमारा समस्त नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व करेगा और देश की जनता से इस बात का आग्रह करेगा कि जो एक माहौल इस सरकार के खिलाफ बन रहा है उसको और तेजी और तीव्रता से आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।
क्वेश्चंस। हाँ देखिए, व्यक्ति के संबंध में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत जिम्मेवार वर्गों से यह टिप्पणी आई है कि सरकारी खजाने का सबसे अधिक बजट डिफेंस प्रोक्योरमेंट में खर्च होता है। हाँ, बीच में। हाँ, और इसलिए अगर उसी के ऊपर ऑडिटिंग होनी है और वो स्वयं करेंगे तो क्या ये अपने आप में उपयुक्त है? मैं व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। Well, most of them indicate that we are gaining, and once the momentum is on our side, we are confident that the eventual result will be quite spectacular from our point of view. Is Advani ji equally confident as you are? Yes, the whole party is confident. Thank you for your suggestion. हरीश लखेड़ा जी। हाँ, फैसले को रद्द करके राहत नहीं मिला करती, नया अच्छा फैसला करके राहत मिला करती है। हम ऐसे अच्छे फैसले करेंगे जिससे जनता को राहत मिले। You see, let me respond to your question in a different way. Sushma ji, in her opening comment, said that in the last 15 odd years, Indian politics has predominantly become bipolar. We are in an age of coalitions, but the anchor of a coalition has to be a major national party. And therefore, all political parties which occupy the non-Congress space in their states will always have to consider that they also have a major contribution to make in removing this government. People mention the word third front, though it doesn't exist today. This country has repeatedly experimented the third front. The third front is a failed idea. Aisa hai ki ऐसा है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतृत्व ने चर्चा करने के बाद सीबीआई को सरकारी चंगुल से मुक्त करने के लिए जो सुझाव बनाए थे वो श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री भूपेंद्र यादव और मेरे नाम से सिलेक्ट कमेटी के सामने बीजेपी के प्रपोजल्स हैं, वो ऑलरेडी पार्टी की वेबसाइट पर हैं, नेट पर हैं, वो सार्वजनिक हैं। वेल, पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स आर टू बी डिटरमिन्ड ऑन बेसिस ऑफ द फ्लोर सिचुएशन। Yes, absolutely, absolutely confident. That will be decided by the parliamentary board at an appropriate time. जब 1998 से 2004 तक सरकार चली थी एनडीए की, तो ये दल आए थे ना भाजपा के साथ, इसलिए ये कहना कि उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस है वो भाजपा के साथ आने से कतराते हैं, ये सही नहीं है। यही दल आए थे, जिन दलों के साथ आगे बनने की बात है वही दल आए थे, और वो एनडीए के घटक दल रहे हैं। नहीं तो हमने आपसे कहा ना कि इस बार चेहरा होगा कि नहीं होगा चुनाव से पहले, या होगा तो किसका होगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा समय आने पर। आप उतावले क्यों हो रहे हैं चेहरा देखने के लिए? पहले एक तो उड़ीसा की एनालॉजी में मैं बता दूं, 2009 से पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी। इसलिए ये कोई एनालॉजी नहीं कि 2009 से पहले कौन था, उसका रिजल्ट क्या निकला और आज क्या निकलेगा। और बीजू जनता दल ने चंदन जी की वजह से रिश्ता नहीं रिश्ता नहीं तोड़ा था। और जहाँ तक मूर्ति का सवाल है, हमारी मूर्ति के बारे हम कह चुके हैं ना, पूर्व अध्यक्ष कह चुके, वर्तमान अध्यक्ष कह चुके, हम दोनों नेता प्रतिपक्ष कह चुके कि हम सही निर्णय करेंगे, सही समय पर करेंगे, अपने गठबंधन के साथियों के साथ करेंगे। लास्ट निर्णय होगा और आपको सुनाया जाएगा।
और जो मूर्ति टाइप बन जाए ना वो नेतृत्व नहीं देते पाते। नहीं तो हमने तो कहा ही नहीं रूल आउट करने को, ये किसने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब चर्चा होगी तो उनके नाम की चर्चा नहीं होगी, ये किसने कहा? पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही तब भी तय किया था, एनडीए ने बैठ के तय किया गया, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर एनडीए से कंसल्टेशन होगा और निर्णय दो होंगे, पहला ये करना कि नहीं करना, दूसरा ये करना तो किसको करना, और वो सही समय पर हो जाएगा फैसला। हमारे यहाँ सारे निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिवाइडेड नहीं होता, उसमें कोई डिसेंट नोट नहीं होता। हैड दे टेकन द रेजिग्नेशन ऑन 8th, वी वुड हैव पास्ड दीज बिल्स इवन ऑन 9th एंड 10th। आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। नो, एज रिगार्ड्स पार्लियामेंट सेशन वी डोंट हैव बिकॉज दैट डिमांड हैज बीन फुलफिल्ड। आई थिंक आई हैव आंसर्ड थ्राइस दिस क्वेश्चन हियर। द लीडरशिप इश्यू विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ बीजेपी इन कंसल्टेशन विद द एनडीए पार्टनर्स। ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आईपीएल की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।